प्रभास अ ट्रू पैन इंडिया स्टार ऑफ दिस जनरेशन। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। अब ऐसा भी नहीं है कि प्रभास अकेले इतने बड़े पैन इंडिया स्टार हैं। प्रभास से पहले भी हम लोगों ने बचपन में रजनीकांत, कमल हसन और नागार्जुना जैसे एक्टर्स की मूवीज खूब देखी है टेलीविजन पर, जहां पर तुम्हें आज भी डॉन नंबर वन, शिवाजी द बॉस और मेरी जंग वन मैन आर्मी मूवी के डायलॉग्स याद ही होंगे। क्यों हिला डाला ना? तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। इन मूवीज के मीम्स तो आज भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो है कौन? मास। लेकिन ये सारे एक्टर्स हमारी पेरेंट्स के जनरेशन को बिलोंग करते हैं और हमारी जनरेशन का ट्रू पैन इंडिया स्टार मेरे ओपिनियन में प्रभास ही है। प्रभास की फैन फॉलोइंग स्टार्टिंग के फेजेस में तो बहुत कम थी, लेकिन बिल्ला और रेबल जैसी मूवीज के बाद इनकी फैन फॉलोइंग धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग पैन इंडिया और इवन इंटरनेशनल लेवल पर तब गई जब 2015 में SS राजामौली की बाहुबली मूवी आती है। SS राजामौली की बाहुबली सीरीज स्टारिंग प्रभास इंडियन सिनेमा के लिए किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं थी, क्योंकि इस मूवी के बाद अब प्रोड्यूसर्स अपना पैसा खुल के इन्वेस्ट कर सकते थे बिना किसी डर के, क्योंकि बाहुबली 2 के रिलीज के बाद 1000 और 1500 करोड़ का भी मार्जिन पॉसिबल लग रहा था, जो कि अभी तक इंडिया की किसी भी इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं था। इन्हीं मूवीज के बाद इंडिया में लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स और वर्ल्ड बिल्डिंग का ट्रेंड आया और मूवी के अंदर हाई बजट मूवीज बनने लगी। तो आज 23 अक्टूबर यानी कि प्रभास के बर्थडे के दिन हम बात करने वाले हैं प्रभास की फ्यूचर मूवीज की लाइनअप के बारे में। तो प्रभास की लेटेस्ट मूवी सालार, जो कि इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है 22nd of December को, बिकॉज़ इन दैट पार्क देयर इज अ एक्चुअली मैं ये मूवी पहले सितंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को डिले कर दिया गया क्योंकि इसके पोस्ट प्रोडक्शन में काफी वर्क बाकी था। ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है एंड इस मूवी से जुड़ी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मूवी प्रशांत नील के KGF यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है एंड पॉसिबली इस मूवी के अंदर हमें रॉकिंग स्टार यश का एक कैमियो भी देखने को मिल सकता है। और एक और मजे की बात बताऊं तो जिस दिन सलार रिलीज होगी उसी दिन SRK की डंकी भी रिलीज होगी, तो तुम ये डिसाइड जरूर कर लेना कि तुम पहले दोनों में से कौन सी मूवी देखने जाओगे। सलार के बाद प्रभास का एक और बड़ा प्रोजेक्ट अगले साल ही रिलीज होगा, जिसको इनिशियल स्टेजेस में प्रोजेक्ट के का नाम दिया जा रहा था, बट अभी इसका टाइटल रिवील हो चुका है एक ग्लिम्स के साथ, जिसको आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो अब इसका टाइटल है कल्कि 2898 AD, जो कि एक्चुअली में एक डिस्टोपियन फ्यूचर में टेक प्लेस करती है, जहां पे प्रभास लॉर्ड कल्कि का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि लॉर्ड विष्णु के 10वें अवतार का रोल प्ले कर रहे हैं। इस मूवी में प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी जैसे बड़े एक्टर्स भी शामिल हैं एंड इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नाग अश्विन। एंड इसी के साथ ये मूवी पहली इंडियन मूवी थी जिसको कॉमिक कॉन के अंदर प्रेजेंट किया गया था एंड इसका ग्लिम्स कॉमिक कॉन के अंदर ही ड्रॉप किया गया था। एंड उस ग्लिम्स और बाकी के रिलीज हुए पोस्टर को देखने के बाद तो मैं इतना कह ही सकता हूँ कि ये मूवी अभी के लिए काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। अभी के लिए इसकी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कल की 2898 AD कोई सोलो मूवी नहीं होगी। रूमर्स ये हैं कि ये मूवी एक ट्रायलॉजी हो सकती है। कल्कि के बाद प्रभास की डायरेक्टर मारुति के साथ प्रभास मूर्ति एक अनटाइटल्ड मूवी भी रिलीज होगी, जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है पिछले महीने ही एंड इसके सेट से 2 फोटोज भी लीक हुई थी, जो कि पॉसिबली आपने कहीं ना कहीं तो देखी ली होगी। अब रूमर्स ये थे कि इस मूवी का टाइटल राजा डिलेक्स होगा, जो कि सुनने में किसी टिपिकल साउथ मूवी जैसा लगता है। अब हालांकि मुझे इस बात का भी कंफर्मेशन नहीं है कि जो प्रभास मूर्ति वाली पिक्चर है उसी का टाइटल राजा डिलेक्स होने वाला है या फिर किसी और पिक्चर का नाम है ये। अब इस मूवी के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी नहीं है, लेकिन इसके बाद जो मूवी आ रही है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। इसके बाद प्रभास का अगला प्रोजेक्ट होगा संदीप रेड्डी वांगा के साथ, जो कि एक काफी तगड़े डायरेक्टर है जिनका कॉन्टेंट हमेशा से ही इंप्रेस करता आया है, चाहे आप इनकी मूवी अर्जुन रेड्डी या कबीर सिंह देख लो। इसने टच किया उसको, या फिर अभी अभी एनिमल का टीजर देख लो। एनिमल मूवी अभी दिसंबर में रिलीज होने वाली है तो उसका एक छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिल जाएगा कि भाई एक्चुअली में ये डायरेक्टर कर क्या सकता है। प्रभास के साथ ये कॉम्बिनेशन एकदम बीस्ट होगा। इस मूवी से सिर्फ इतनी ही डिटेल है कि इस मूवी के अंदर एक्चुअली में प्रभास भैया एक कॉप का रोल प्ले करने वाले हैं और इसके अलावा इस मूवी से और कोई भी डिटेल्स नहीं है, पर होपफुली प्रभास मारुति के शूट के बाद प्रभास भैया इस मूवी की शूटिंग में भी लग जाएंगे तो ये मूवी ऑलमोस्ट 2026 तक देखने को मिलेगी। स्पिरिट के बाद प्रभास कोलैब करेंगे तमिल इंडस्ट्री के एक और विजनरी डायरेक्टर लोकेश कनकराज के साथ, लोकेश कनकराज की 10वीं मूवी होगी एंड शायद उनकी आखिरी मूवी भी,
तो वो ये मूवी प्रभास के साथ करना चाहते हैं। एंड अभी सिर्फ इस मूवी को कंफर्म किया गया है, वो भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी, सिर्फ इंटरव्यू के अंदर टीज किया है लोकेश कनकराज ने। तो अगर ये मूवी आती है तो ऑलमोस्ट 4 या 5 साल बाद ही आएगी, क्योंकि लोकेश कनकराज अभी काफी बिजी रहेंगे अपने एलसीयू की मूवीज को लेकर, और उससे भी पहले उन्हें थलाइवर 171 डायरेक्ट करनी है। अब ये तो थे उन मूवीज के नाम जो कि श्योर शॉट कंफर्म है कि ये मूवी फ्यूचर में आएंगी ही आएंगी। लेकिन इसके अलावा बाहुबली 3, जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इस मूवी को लेकर एसएस राजामौली बीच में टीज करते रहते हैं अपने इंटरव्यूज में, और फिर अचानक से हाइप बढ़ जाती है कि भाई बाहुबली 3 आने वाली है। लेकिन उन्होंने इस मूवी से रिलेटेड बस इतना ही कहा है कि अगर बाहुबली 3 कभी भी आती है तो वो एक स्टैंड अलोन मूवी होगी, ना कि वो अपने फ्रेंचाइजी को फॉलो करेगी। अब ये मूवी कभी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी या नहीं, ये तो भगवान ही बता सकता है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अवि एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवि।